करने का सकता हूं। बार बार मां के चरणों में प्रणाम वंदन, दो हाथ जोड़कर अभी मां को देखते हैं तो बच्चे को क्या याद आता है? खाना। सुखा मां सुवाड़ी बिने पोड़ी पोते रडू छीक तू राख तू कौन जाने पछी कौन पोता तनो दूध पातो माहित वाली दयाली जमा। लड़की बड़ी होती है 17-20 साल की, 21 साल की, 25 साल की होती है, अलग होती है, घूमने फिरने जाती है। जैसे उनके यहाँ बालक का जन्म होता है वो अपनी गोद में सोती है, बच्चे को सुलाती है। कभी आपने सुना कि माँ ने अपने बच्चे को नींद में पता नहीं चला बच्चा मर गया? वरना वो जब घर पे होती है कुंवारी होती है तो उसको सोने का पता नहीं होता है, ऐसे सोती है, ऐसे अल्लड़ सोती है। मगर जब वो माता बनती है तो कई बार वो बच्चा गीला कर देता है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को जल ले आती है, माँ वहां सो जाती है। सुखे में अपने बच्चे को सुलाती है और गीले में स्वयं सो जाती है। सुखा मां सुवाड़ी बिने पोधी पोते रडू छीक तू राख तू कौन छाने। फिर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी पहले विदात भी नहीं फूटे थे, दुनिया का कोई पदार्थ में खा नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने शरीर से दूध निकाल कर मुझे पिलाया। पछी कौन हृदय से अपने दूध को निकाल कर, अपने अमृत को निकाल कर अपने बच्चे को पिलाती है वो माँ। पछी कौन पोता तनो दूध पातो माहे सवाली दयाली च माँ। माँ का आशीर्वाद मिला, धन्य धन्य। अब माँ को देखकर देखकर हनुमान जी बोले, माँ मुझे भूख लगी और सबसे बड़ा भोजन माता के हाथ का होता है, श्रेष्ठ भोजन माँ के हाथ का, श्रेष्ठ तिलक ब्राह्मण के हाथ का। मगर अब हमें बोलना पड़ता है पत्नी को कि तेरा बहुत अच्छा होता है, वरना हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जानते तो है, एक भाई ने 2-4 बार गलती निकाल दी तो उसका पूरा जीवन, अरे वो खाने के लिए तड़पने लगा। दाल बना दी तो इतना कितना नमक डाल दी, खुद का दाल निकाल दी और उसमें नमक डाल दे, इतना परेशान। बाकी तो बढ़िया बना दी मगर इतना नमक डालते तो उसके मुंह में नहीं जाता। फिर एक बार तो इतना ज्यादा नमक डाला था, बोले क्या ये भाखरी बनाई है। जब बखान शुरू किया तब उसको भोजन सही ढंग का और यादें भी सर्वभूते। उसका नाम क्या है अभी बोल, शक्ति रूपेण संस्था। घर में उसको क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति के साथ कभी पंगा नहीं है, निकलता कुछ नहीं, इतना भी करो, हफ्ते दो हफ्ते, 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष, आखिर में शरणागति तो हमको ही स्वीकारनी है पुरुषों को, तो क्यों लंबा खींचे। दो पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम बहुत कर रहे थे, और प्रेम होता है वहां बोलना होता है, और जहां बोलना होता है वहां गलत लगना स्वाभाविक होता है। अब नहीं बोलते तो किसी को गलत नहीं लगते, मगर थोड़ा कुछ बोलते हैं तो एक दूसरे को गलत लग जाता है। तो 7वें दिन की कथा में आया तो बड़ा ढिमचा हो गया था। सब लोग पूछते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया।
बोले आज वैलेंटाइन डे था तो मेरी पत्नी ने मुझे पुष्प का प्रहार किया। तो बगल वाले गुजराती ने बोला भाई ते बोलना थे क्या आवा ढिमचा ना था तो बाहर बोल रहा है कि पुष्प डाला पुष्प मारा तो फूल मारने से कभी ढिमचा होता है क्या? अरे समझा करो साथ में कूड़ा था। ये शरणागति भाव, इस भाव को जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है कलयुग में उसका संसार निरंतर सही तरीके से चलता रहता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को जोर से कूड़ा मारा, वास्तविक घटना ये थी। तो इस सुख का इस साधन में थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि आज मुझे कथा खींचनी है, कथा मुझे करनी है पूरी, मगर सुंदरकांड का इतना वैभव है कि उसमें जैसे हम अंदर जाते फैल जाते। मां मैं भूखा हूं, कब से आया हूं, मुझे भूख लगी है, और भूख नहीं लगी है तो भी ये सब देखकर यहां कोई भोग थाली बढ़िया लगा दे, आप लोग तो सब खा के बैठे, मगर खाना बाकी हो तो आपके पेट में भूख नहीं, फिर भी देख के भूख लगती है। अभी भी आप उस कैरी भूख है जो बढ़िया और पांचों कैरी मैंगो रखा जाए तो हमको भी भूख लगी। मां ये सब फल फूल देखकर लागे देखी सुंदर फल रूखा, इस फल को देखकर मुझे खाने की इच्छा हो रही है, सुनु सुत कर ही बिन रखवारी। बेटा ये राक्षसों द्वारा रक्षित है, आप वहां मत जाना, परम सुभट रज नीचर भारी, इसमें बड़े बड़े राक्षस है, आप ये फल नहीं खा सकते। तो हनुमान जी ने कहा कि मां तू मुझे आज्ञा दे दे, मैं मारा रास्ता ढूंढ लूंगा। तिनकर भय माता मोहि नाहि, माँ उस राक्षसों की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तेरी आज्ञा की पड़ी है, तू मुझे आदेश दे दे, बाकी मैं अपना भोग लूंगा। जो तुम सुख मानहु मन माहि, माँ तुझे आनंद आता है कि मैं ये फल खाऊं तो आदेश दे। तो कौन सी माँ ऐसी है जो बच्चा खा रहा है उसको आनंद नहीं आ रहा है? घड़ी घड़ी आ घड़ी, आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे मिटे खोती अपराध। पर साढ़ा नौ उसकी बगैर चलेगा, अभी बड़ी अग्री 10 मिनट का नौ साढ़ा नौ संगत थोड़ा तुम भेड़ा चुन ही भेजो एवं लगे हूँ जमाड़ आविष्ट में मूल प्रोग्राम पति जाए पची मजा ना आ। खाना बहुत बड़ी चीज है खाना, और खाने खाए 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 कोई कथा भी सुनी चाहिए। भूखा पेटे भगवान नहीं भजे जाते, भजन और भोजन। यहाँ हमने दो दिन आज से क्रम ऐसा किया, पहले भोजन फिर बाद में भजन। तो एक दोहा लेकर 17वां दोहा लेकर आज तो इस सब दोहा का वर्णन भी कर लेंगे, तो 9 का क्रम 9-2000 हो जाएगा। एक बुद्धि बल विपुल गति केहु जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा, चले उनाई सिर पै देहु बागा, फल खाए सितर तोरे ला, रहे तहां बहु बत रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि बारी, तेहि अशोक वाटिका उजा, खाए फल अरुणि तप उपारे, दक्षत मर्दि मति महिला रे, सुनि रावण पठये पटना, जिन्हि देहि कर जो हनुमाना, सब रज नीचर कपि संदार, गए उकारत कछु मंगल।
दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी जपत निरंतर। अद्भुत, देखी बुद्धि बल पुल कपि, बुद्धि और बल को देखकर माँ ने कहा जाओ। ये तीसरी बार जाने की बात आई तो जाने के लिए क्यों ना, ये तो खाने की बात आ गई। पहली बार तो जब लंगड़ी ने कहा था प्रवासी नगर की जे सब कहा जा हृदय राखी कौशल पूरा। अभी माँ क्या कह रही है कि जाओ, फल फूल सब है आपके लिए, सब खाओ, मगर भूलना नहीं है कि आपको हृदय में रघुपति चरण हृदय धरी, राम के चरण को हृदय में राख कर आप जितने भी फल फूल खाने हैं खाओ, तात मधुर फल खाओ। संसार में अनेक प्रकार के फल, मगर आपको मधुर फल तभी मिलेंगे जब आपके हृदय में रघुपति के चरण होंगे। हृदय में राम तो फल सुमधुर, चले उना इसी बैठे बाग। हनुमान जी महाराज चले माता जी को शीश नमाकर और फल खाए सी तरु तोड़े ला, कुछ खाए मगर उसको किसी ने नोटिस नहीं किया तो तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु फट रखवारे, वहां बड़े बड़े राक्षस थे वो सब आए। अभी हनुमान जी अपनी हाजिरी पुराना चाहते हैं दीप कोश के यहाँ, माता जी से तो हमारा संपर्क हो गया, बात हो गई खत्म। अभी उसको 10 मत्थे वाले को पता चलना चाहिए कि मैं आ गया हूं, तो कैसे पता चले? सब राक्षसों को मारना शुरू किया, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, इतना पीटा तो कोई अधमुआ होकर भागता भागता हे बचाओ बचाओ करते हुए भाग रहा। और रावण की सभा में आकर बोले बाबजी बहुत बड़ा भारी बंदर आया, नाथ एक आवाज कभी भारी भारी शब्द यूज किया, ते ही अशोक वाटिका उजारी। उस बंदर ने भारी बंदर ने हमारा दक्षिण गुजरात का शब्द है, बहुत भारी मानो से बहुत भारे, तो ये अवधि शब्द आया। उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया, उजाड़ दिए, खाए सी फल और मिटे पहुंचा, कुछ फल खाते और पूरे वृक्ष को उठाकर फेंक देता है। रक्षत मर्दी मर्द महा डाल, हमारे रक्षस है उसको मसल मसल के मारते हैं। रावण ने सुना ऐसा है क्या? सुनी रावण पटिए पट नाना, बड़े योद्धा राक्षस को देखे, तीन ही देखे गरजेउ हनुमान। हनुमान जी महाराज ने राक्षसों की सेना आई भयंकर गर्जना गर्जना की, आधे तो गर्जना सुनकर कान के पर्दे पड़ गए, आधे पागल हो गए, आधे दोषुद्ध हो गए, और बाकी जो बचे थे आए उसको एक चपेट से मार दिया। गए पुकार कछु अध मारे, हाथ पैर टूटे हुए सब भागे, उन्हीं पटे उठे ही अच्छा कुमार। अब रावण ने अपने पुत्र अक्ष को भेजा, चला संग ले सुभट अपार। अक्षय ने बड़े बड़े योद्धा को साथ में लिया, बड़े बड़े राक्षस को साथ लिया, आवत देखी बिटप तही तरजा, उनको पड़कारा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। अब हनुमान जी का एक नाम और आया, कोई कहता नहीं तो धूनी है, जब धुन लग जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता है, तो हनुमान जी महाराज धुनी से भी बड़े धुनी महाधुनी। उसको लगनी लगी थी राम काज की, तो महाधुनी ने गर्जना की, कछु मारे से कछु मर्द सी, कछु मिले से कछु दूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल पूरी, सुनि सुत बल लंकेश्वर साना, पठिये सिने गनद बलवा, मार सिंह सुत बांधे सीता, दूत देखिय कपि कहां कर, चला इंद्रित अतुलित चोदा, बंधु निजन सुति उपजा क्रोध, कपि देखा
बट आवा कट कटाई कर जा अरदावा अति विशाल कर एक उपारा दिरस किन्न लंकेश कुमार रहे महापत ताके चंगा गहि गए कपि मर दई निज अंग इनहि निपाति ताई तन बाजा सिरे जुगल मानम मुदिका मारी चढ़ा तर जाई ताई एक क्षण मूर्छा आई उसी महोर किन हसि बहुमान जी के न जाय जाया मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदगरत बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जबत निरंतर इस चौपाई के साथ इस दोहे के साथ आज की कथा को विराम कल आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे कल मंगलवार है बालाजी भगवान का वार है थोड़ा जल्दी खा लेना क्योंकि हमारा आप खाओ मगर थोड़ा हमारा घंटे दो घंटे बाद हमारा थोड़ा एक दिन गर्म होता है।